हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। माई सेल्फ पूनम शर्मा, द टीचर फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, आई वेलकम यू ऑल टू अवर ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे इंग्लिश लेसन 6 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एवरी वन इज अ विनर। ओके स्टूडेंट्स, As you read the name of the lesson, everyone is a winner, वो आपको बताता है कि हर एक एक बच्चा अपने आप में एक विनर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी रिगार्डिंग टू फ्रेंड्स एंड अ टीचर। ओके, ये जो स्टोरी है एक दो फ्रेंड्स के बीच में है, जिसका नाम है जमाल और रोहन। ओके, दोनों भी रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रनिंग कंपटीशन में पार्ट कर ले रहे हैं, और उनका जो गोल है, उनका गोल सिर्फ जीतना नहीं है। ओके, हम लोग रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई भी कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा बस एक ही मोटिव होता है कि हमको एनी हाउ हमको रेस में फर्स्ट आना है, जीतना है। बराबर, सभी की ऐसी ही इच्छा होती है। एवरीवन दे फील क्या दे शुड बी द विनर। ओके, सेम वे जमाल एंड रोहन, दे आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन वन रनिंग रेस एंड बोथ वांट टू विन। बट उनको जीतना क्यों है, ऐसे नहीं वो अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाहता है क्या रोहन ज़्यादा अच्छा है या जमाल ज़्यादा अच्छा है, बट दे आर रनिंग फॉर वन नोबल कॉज। ओके, वो ये रेस में क्यों हिस्सा ले रहे हैं, ताकि जो भी ये रेस में जीतेगा और फिर जो भी उनको प्राइज या जो अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट वो लोग अपने टीचर को देना चाहते हैं, मिस्टर शर्मा को देना चाहते हैं, जिनका जो घर बार है सब कुछ उनका हरिकेन मतलब एक तूफान में उनका घर सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसीलिए वो लोग वो रेस में जो जीता हुआ पैसा है वो सब जमा करके किसको देना चाहते हैं, अपने टीचर को, और वो टीचर का नाम क्या है, मिस्टर शर्मा। तो ये लेसन से ये पता चलता है कि किस तरह हम ना सिर्फ खेल हम लोग खेलते हैं किसके लिए, हार जीत के लिए, बट कभी कभी हमको वो जीत का जो भी क्रेडिट होता है वो हमेशा अपने तक नहीं रखना चाहिए, वो किसी और को भी शेयर करना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी फॉर यू। नाउ लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 45। जमाल रीटाइड हिज रनिंग शूज फॉर द थर्ड टाइम। ऑल द मंथ ही हैड बीन टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट 5K रेस एंड how he was going to come in first in this age group. Several of his friends from school had come out to watch or run the race too. Okay, yani ye jo scene hai wo racing day ka hai. Jamal kya kar raha hai, apne shoes ko tie kar raha hai third time, yani third bar wo participate kar raha hai race mein, aur is time uski ichha kya hai ki wo apne age group pe wo first aaye, aur uske sath mein is bar race mein बहुत सारे उसके फ्रेंड्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे फ्रेंड्स जो है उसको चीयर अप करने आए हैं। आर यू रेडी, रोहन आस्क्ड। यस, नो प्रॉब्लम। जमाल डिड अ फ्यू वार्म अप स्ट्रेचेस टू कवर अप द फैक्ट। वार्म अप स्ट्रेचेस मींस वार्म अप एक्सरसाइजेस। ओके, जब भी हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो वहाँ पर पहले हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, दैट हिज हैंड्स वेर शेकिंग। He had trained for this race, but there were so many people both in the race and audience. What if he didn't win in his age group? What if he tripped and fell? Okay, Jamal ने ऐसे तो बहुत सारे races में participate किया है, पर इस time उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इस time उसके साथ उसके friends भी participate करा था जिसका नाम था रोहन, तो इसीलिए उसको डर लग रहा था। दूसरे क्योंकि रेस में एक तरफ उसका फ्रेंड था और दूसरी तरफ बहुत सारे ऑडियंस भी थे, और अब उसको डर लग रहा था क्या क्या पता वो इस बार जीतेगा या नहीं, या वो कभी गिर तो नहीं जाएगा। ओके,
अ विसल ब्लू एंड द स्टार्टर कॉल्ड एवरीवन टू द स्टार्टिंग लाइन। एक सीटी बजी और सब लोग स्टार्टिंग लाइन के पास जाने लगे। आई विल ट्राई टू कीप यू इन साइट, रोहन सेड, बट यू आर अ लॉट फास्टर देन एम आई। ही लीन्ड क्लोजर। ओके, नाउ जैसे ही सीटी बजी, सब जो पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग वहाँ पर जहाँ पे से रेस चालू होती है स्टार्टिंग लाइन, वहाँ पर पहुँचे। ओके, और रोहन भी वहाँ पर पहुँचा। तो रोहन ने क्या बोला क्या जमाल को, क्या मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मेरा ध्यान तुम्हारे पर ही रहेगा और मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हारे साथ साथ भागूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा फास्ट हो। और वो लीन्ड, ही लीन्ड क्लोज़र, मतलब वो स्लोपिंग पोजीशन में, जो रेस में हम जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो पोजीशन में वो बैठ गया। आई एम काइंड ऑफ जस्ट होपिंग आई कैन फिनिश द रेस विदाउट हैविंग टू स्टॉप। ओके, अब क्या बोल रहा है रोहन, क्या मैं ऐसे चाहता हूँ कि बस मैं कैसे भी करके ये रेस जीत जाऊँ बिना रुके। जमाल क्लैप्ड रोहन ऑन द बैक। डोंट गो आउट टू फास्ट एंड यू विल बी फाइन, इट डजेंट मैटर वॉट प्लेस यू फिनिश इन। अब जमाल उसको पीठ पे थपथपा के पैट कर रहा है और उसको बोल रहा है क्या तू बहुत ज़्यादा फास्ट मत भागना, सब कुछ अच्छा ही होगा। और इट डजेंट मैटर वॉट प्लेस यू फिनिश, यानी हारना या जीतना वो तो जो भी है, बट हमको किसके लिए भागना है, हमको कोई सोर्स के लिए भागना है। द रन इज़ फॉर द गुड कॉज। द स्कूल वॉज रेजिंग मनी फॉर अ टीचर हु हैड लॉस्ट हिज हाउस इन हरिकेन। वो बोल रहा था हारना या जीतना मायना नहीं रखता, हमको ये नहीं देखना है कि हम फर्स्ट आ रहे या हम लास्ट आ रहे, बट हमारा जो भागने का जो मकसद है वो बहुत ही नेक है। हम ये रेस किसके लिए भाग रहे हैं, हमको हमारे सर को हेल्प करने के लिए। ओके, रोहन नॉडेड, राइट, लेट्स डू दिस फॉर मिस्टर शर्मा। ओके, जमाल टूक हिज स्पॉट ऑन द स्टार्टिंग लाइन एंड नोटिस्ड मिस्टर शर्मा स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। जैसे ही जमाल रेडी हुआ स्टार्टिंग लाइन पे अपनी पोजीशन लेके, तो उसने क्या देखा, मिस्टर शर्मा जो टीचर जिसके लिए वो लोग फंड रेज कर रहे थे वो उसके बाजू में आके खड़े थे। थैंक्स फॉर गेटिंग सो मेनी ऑफ योर क्लासमेट टू कम आउट टुडे, जमाल, मिस्टर शर्मा सेड, नो मैटर व्हाट प्लेस यू कम इन, यू आर अ विनर इन माय बुक। ओके, सब मिस्टर शर्मा ने जमाल को क्या बोला, क्या मैं बहुत थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे क्लासमेट्स के लिए। ओके, और मिस्टर शर्मा ने उसको क्या बोला, नो मैटर व्हाट प्लेस यू कम इन, यू आर अ विनर इन माय बुक। उसने क्या बोला, आप भले हारो या जीतो पर मेरे लिए तुम दिल से एक बहुत बड़े विनर हो। द स्टार्टिंग बजर साउंडेड एंड जमाल टुक ऑफ थिंकिंग ऑफ मिस्टर शर्माज वर्ड। आफ्टर द फर्स्ट माइल जमाल ग्लांस्ड बैक एंड सॉ रोहन ग्रैबिंग हिज साइड। ही मस्ट हैव हैड अ क्रैम्प। मिस्टर शर्मा वॉज स्टिल नेक्स्ट टू जमाल, मैचिंग हिज पेस विद ईच स्टेप। एवरीवन इज अ विनर, राइट, जमाल आस्क्ड मिस्टर शर्मा बिटवीन ब्रेथ्स। मिस्टर शर्मा लुक बैक एट रोहन एंड अ फ्यू अदर स्टूडेंट्स लैगिंग बिहाइंड, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। जमाल नॉडेड एंड रैन बैक टू रोहन एंड द अदर्स। आर्म्स अप ओवर योर हेड्स एंड टेक लॉन्ग स्लो ब्रीथ्स, जमाल सेड। हिज फ्रेंड्स लिसन, गॉड, Now swing your arms again and focus on your breathing. Jamal continued to coach his friend until he saw the finish line. There's the end. Come on, guys. Let's finish this together. They crossed the finish line as a group and found Mr. Sharma waiting for them. Why did you come back for us, Jamal? Rohan asked, still out of breath. You could have won. Everyone is a winner, Jamal said and said smiling at Mr. Sharma. ओके, जैसे ही रेस चालू हुई तो जमाल भागने लगा और भागते भागते जब वो एक मील तक पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन बराबर उसके साइड पे भाग रहा था। ओके, ही मस्ट हैव अ क्रैम्प। मिस्टर शर्मा वॉज स्टिल नेक्स्ट टू जमाल, मैचिंग हिज पेस विद ईच स्टेप। ओके, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा, रोहन वॉज ग्रैबिंग हिज साइड, वो ग्रैब कर रहा था उसके साइड में, तो उसको लगा क्या कुछ तो प्रॉब्लम है, बट फिर वो वापस कंटिन्यू करने लगा। और बाद में फिर कुछ समय बाद वापस से वो पीछे मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा, क्या रोहन और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पीछे है। तो रोहन, जमाल ने क्या किया, फिर से वो भाग के अपने फ्रेंड्स के पास गया और उनको बोलने लगा
क्या लंबी लंबी सांसें लो और आर्म्स ऊपर करके, हेड ऊपर करके फिर से रिलैक्स होके भागो। और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा भागने लगा और लास्ट में सभी फ्रेंड्स एक साथ में फिनिश लाइन पर पहुंचे। और तब रोहन ने जमाल को पूछा कि अरे तू क्यों रुका हमारे लिए, तू तो फर्स्ट आ सकता था, तुझे भागना चाहिए था तो तू विनर होता। तो जमाल उसको बोलता है और मिस्टर शर्मा के तरफ स्माइल करके देखते हुए बोलता है कि एवरीवन इज़ अ विनर। मतलब उसका बोलने का मतलब क्या था, क्या हम सब ही विजेता है, विनर है। क्यों? क्योंकि हम सब का जो कॉज है वो बहुत ही नोबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। माई सेल्फ पूनम शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल। मीट यू ऑल नेक्स्ट वीक विद द न्यू वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ एट योर होम।